जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। और स्वागत है आपका एक नए सफ़र में, और स्वागत है आपका बाबा गोरखनाथ के तपोस्थली और भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म गोरखपुर के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वंस मोर जर्नी, घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया की जो अपनी जर्नी होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल जर्नी होने वाली है, क्योंकि श्रावण मास शुरू हो चुका है और आज तारीख है 12, और 12 तारीख से आज से अपने श्रावण मास की एक नई ट्रेन चलने वाली है। तो आइए, उसी की जर्नी होने वाली है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर और आइए बताते हैं आपको कौन सी ट्रेन की जर्नी होने वाली। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। देख रहे हैं कांवरियों की लाइन, कितना उत्साहित है सभी लोग देवघर जाने के लिए। कांवरियों की भीड़ और लाइन, तो दोस्तों आज की अपनी जो यात्रा होने वाली है वो गोरखपुर से लेके और देवघर के बीच में होने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर है 05028, जो गोरखपुर से चलकर देवघर को जाती है। इसी ट्रेन की अपनी जर्नी होने वाली है। तो ये ट्रेन लग चुकी है अपनी गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और आइए शुरू करते हैं इसकी जर्नी, क्योंकि इसका यहाँ से गोरखपुर से चलने का टाइमिंग है 8:00 और अगले दिन हमको पहुँचाएगी 12:00 के लगभग। करें तो इस ट्रेन की तो टोटल 16 घंटे की जर्नी होने वाली है अपनी गोरखपुर से और देवघर के बीच में। बात करें इस ट्रेन की, तो इस ट्रेन को खासकर अपने बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए सावन स्पेशल ट्रेन के तौर पे चलाया गया है, जो अपने को गोरखपुर से लेकर देवघर तक जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं जर्नी, और जर्नी शुरू करने से पहले इसका लोकोमोटिव आपको दिखा देते हैं। तो आइए चलिए लोकोमोटिव देख लीजिए। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इटारसी सेट के वेब फोर इंजन के साथ चलती है अपनी देवघर श्रावणी मेला एक्सप्रेस। तो दोस्तों रात के 8:00 और 8:00 से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। गोरखपुर जंक्शन, बाय बाय गोरखपुर जंक्शन। दिखा देते हैं आपको इसका इंटीरियर। और इस तरफ देख लीजिए, हैंगर मिल जाएगा और आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, ऊपर का बर्थ, नीचे बाकी उस साइड सामान रखने के लिए, और उधर भी एक सॉकेट मिल जाएगा आपको चार्जिंग पॉइंट। बाकी आइए देख लेते हैं इसका वाशरूम। ये इसका वाशरूम कुछ ऐसा है, पानी आ रहा है, मिरर क्लीन नहीं है, बाकी लैट्रिन बाथरूम तो जैसा होता है वैसा ही है, समझ लीजिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। देवरिया सदर, तो गोरखपुर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और स्टेशन कोड हुआ इसका DEOS, और ये पड़ता है अपना नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन के वाराणसी मंडल में। तो बात करें देवरिया सदर रेलवे स्टेशन की, तो टोटल 96 ट्रेनें यहाँ का हॉल्टिंग करती हैं, और ना कोई ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं ना टर्मिनेट होती हैं। ट्रेन का टोटल 5 मिनट का हॉल्टिंग है। बाकी यहाँ से आइए दिखा देते हैं अपने ट्रेन का डिपार्चर। तो दोस्तों 5 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से,
इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है भटनी जंक्शन, तो मिलते हैं आपसे भटनी जंक्शन पे। देवरिया सदर, दोस्तों टाइम हो रहा है 9:36 और ये है भटनी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो दोस्तों गोरखपुर से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने सेकेंड स्टॉपेज भटनी जंक्शन पे, और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और ये पड़ता है अपना नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में, और BTT इसका स्टेशन कोड हुआ। भटनी जंक्शन की बात करें तो टोटल 70 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग है, 6 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। काफ़ी हो चुकी है और दिखा देते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर, इसके बाद मिलते हैं सुबह में। और ये देख लीजिए भटनी जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अपने राइड समझ से। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्टिंग था। भटनी जंक्शन ये देख लीजिए दोस्तों, शानदार कर्व का नजारा अपने गोरखपुर देवघर श्रावणी मेला एक्सप्रेस का नजारा। कितना शानदार कर्व है, और सामने आप देख सकते हैं अपनी ट्रेन शानदार टनल से गुजरने वाली है। कहाँ जा रहे हो? हाँ, इसी को बेचने जा रहे हो? अच्छा, बेचते हो तुम, ठीक है। यहाँ भी जो लोग आएंगे लेंगे ना। कितने का है? 150 का। तो दोस्तों गोरखपुर से 415 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं सुबह के
लगभग 6:50 हो रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे, और SGG इसका स्टेशन कोड हुआ। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है सुल्तानगंज, और बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन अपने श्रावण मास में श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि यहाँ से सारे श्रद्धालु जाते हैं सुल्तानगंज से जल भरकर, गंगा जी में से जाते हैं देवघर अपने जल चढ़ाने के लिए बाबा बैजनाथ धाम। और दोस्तों बात कर ले सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन की, तो टोटल 58 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्टिंग करती हैं और एक ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होती है, एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो बात करें डिवीज़न की तो ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीज़न में स्टेशन आता है अपना सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु अपने डिबोर्ड कर चुके हैं ट्रेन को और जा रहे हैं जल भरने के लिए। से श्रावण मास चालू हो रहा है और कल से इस स्टेशन पे आप श्रद्धालुओं का तांता देख सकते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे कि आप हम बता नहीं सकते हैं आपको। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्टिंग है, उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेशन भागलपुर पे, और अपने ट्रेन का हॉकिंग हो चुका है, चलिए दिखा देते हैं आपको इसका डिपार्चर। 5 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालुओं ने डिबोर्ड किया इस ट्रेन को, और यहाँ से जाएंगे जल भरने के लिए। इसके बाद जल भर के 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जाते हैं सीधे देवघर बाबा बैजनाथ धाम। बोल बम। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर जंक्शन। और भागलपुर जंक्शन का ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4, और समय देख लीजिए, और टाइम देख लीजिए 7:50। और अपनी ट्रेन आ चुकी है भागलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और सामने खड़ी है भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जो भागलपुर से चलकर जयनगर तक जाती है। बोल बम। और यहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत सारे कांवड़िया अपनी ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं। बोल बम। और देख सकते हैं कांवड़िया लोग कितने उत्साहित हैं। स्वागत है दोस्तों आपका सिल्क सिटी भागलपुर में। दोस्तों बात करें भागलपुर की तो BGP इसका स्टेशन कोड हुआ, नंबर प्लेटफॉर्म 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और ये पड़ता है अपना ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीज़न में। और बात करें यहाँ के ट्रेनों को हॉल्टिंग की तो 46 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्टिंग करती हैं, और 22 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 22 ट्रेनें यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं। बाकी अपना भागलपुर पड़ता है ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीज़न में, और सामने मतलब निकल चुकी है अपनी जयनगर से भागलपुर के लिए, भागलपुर से जयनगर के लिए भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे टोटल 5 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद आपको इसका डिपार्चर दिखा देते हैं। पुर जंक्शन पॉइंट इसलिए कि एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं और जिधर हम जाएंगे बांका दुमका की तरफ, और एक लाइन यहाँ से हावड़ा की तरफ जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट भी है। बाकी आइए दिखा देते हैं इसका डिपार्चर, इसके बाद मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। Thank you.
तो दोस्तों भागलपुर से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज बाराहट, अलविदा भागलपुर जंक्शन। तो दोस्तों गोरखपुर से 477 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बाराहट जंक्शन पे, और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और BHLE इसका स्टेशन कोड हुआ। ये पड़ता है अपना ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीजन में जंक्शन की। तो टोटल 22 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्टिंग है और ना कोई ट्रेनें ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। और बाराहट जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन अपनी जो हम लोग आ रहे हैं भागलपुर के तरफ से और देवघर जाएंगे और दूसरी लाइन यहाँ से दुमका को जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट है। तो चलिए आइए दिखा देते हैं इसका डिपार्चर। और बाराहट जंक्शन 3 प्लेटफॉर्म का छोटा सा एकदम रेलवे स्टेशन है जो बांका ज़िले के अंदर आता है, बांका ज़िले में पड़ता है बाराहट जंक्शन। तो आइए दिखा देते हैं इसका डिपार्चर, उसके बाद सीधे मिलेंगे आपसे बांका जंक्शन पर। और बाराहट जंक्शन पे 5 मिनट स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और ये देख लीजिए दोस्तों, DMU ट्रेन को भी लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि लग रहा है कि DMU का इंजन ख़राब हो चुका है, इसीलिए इसको दूसरे लोकोमोटिव से खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है। बाराहट जंक्शन दोस्तों अपनी ट्रेन को शानदार कर्व लेते हुए देख सकते हैं। गोरखपुर से 490 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बांका जंक्शन पे। और बांका के नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और BAK इसका स्टेशन कोड हुआ। स्टेशन की तो टोटल यहाँ से 6 ट्रेनें हॉल्टिंग करती हैं और 4 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 4 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। और बांका पड़ता है अपना ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीज़न में। तो यहाँ पे टोटल इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद आपको सीधा मिलते हैं देवघर पे। और 5 मिनट के हॉल्टिंग के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है बांका जंक्शन से। बांका जंक्शन
दोस्तों अपनी शानदार कर्व लेते हुए अपनी ट्रेन को देख सकते हैं। देवघर स्टेशन, तो दोस्तों गोरखपुर से 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने आखिरी स्टॉपेज देवघर जंक्शन पे। का यहाँ पे आने का टाइमिंग था 12:40, लेकिन इस ट्रेन ने हमको बिफोर लाके छोड़ दिया, मतलब 40 मिनट पहले 12 बजे हमको यहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, गोरखपुर से जो भी श्रद्धालु देवघर आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रेन है, जो रात में 8 बजे चल के दोपहर में आपको 12 बजे तक यहाँ देवघर छोड़ देगी और आप आराम से बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं। 3 स्टेट कवर करके, उत्तर प्रदेश बिहार कवर करके, और हम आ चुके हैं बाबा बैजनाथ के पावन भूमि देवघर जंक्शन पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह है बाबा भोलेनाथ की नगरी, और झारखंड में इस समय आ चुके हैं। और अपनी जर्नी का हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद और हर हर गंगे, हर हर महादेव।